गाइस, मेरा नाम है वैकल विशाल। मैं आज बात करने वाला हूँ टाटा टी ग्रुप एनर्जी के बारे में। और मैं आ चुका हूँ अहमदाबाद में टाटा मोटर्स प्रोग्रेसिव पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टियागो और एनर्जी के बारे में, टाटा टियागो और एनर्जी के बारे में, क्या है डिफरेंट, क्या कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, उसके बारे में आज बात करूँगा। आइए मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको दिखाऊंगा कैसी कैसी नहीं है, कैसी है। और जो मेरे पास वेरिएंट है वो एक्सेड वेरिएंट है एनर्जी। यहाँ से साइड में से बात करें तो साइड में से आपको एनर्जी का ऐसा लुक दिखाई देगा। जो शोरूम के अंदर है थोड़ी सी चलचलाहट है, थोड़ा सा साउंड भी है, नॉइस भी है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। आगे से देखे तो साइड में से और आगे से भी दिखाऊँगा साइड में से कैसी लग रही है, आप प्लीज़ देखिए। और यहाँ से बात करें तो एनर्जी के जो लुक आ रहा है पीछे से बढ़िया आ रहा है। टियागो से थोड़ी सी ऊपर है, एक्सेड वेरिएंट है, तो उसकी एक्स शोरूम प्राइस है सिर्फ 7 लाख। और इसकी एक्स शोरूम प्राइस 7,10,000 ऐसी कुछ है प्राइस ऐसी है। और यहाँ पे देखिए तो डोर हैंडल उसके ना ब्लैक में, और उसके नीचे से बात करें तो यहाँ पे जो ग्लॉस है ब्लैक में, और यहाँ पे लोकेशन से मिलेगा, और यहाँ पे की लगाने के लिए मिलेगा। जो चारों डोर है उसमें ग्लॉसी ब्लैक और मैट फिनिशिंग वाला है। और यहाँ से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा रैप किया गया हुआ है और रैप ही है। और यहाँ पे जो है ब्लैक कलर का मैट फिनिशिंग में यहाँ पे मिलेगा, जो एबीसी पिलर है आपको मैट फिनिशिंग में मिलेगी। और साइड में से देखें तो इसके डोर के अंदर यहीं से नीचे से आपको ऐसा दिखाई देगा। व्हील कवर है, व्हील कवर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखें तो साइड में से ये साइड में से आपको सिल्वर में और ब्लैक में और जो है मिल रहा है, जो एक्सेड वेरिएंट में आपको जो स्टील रिम अलॉय व्हील नहीं है, स्टील रिम में आपको मिलेगा बड़े से अलॉय व्हील जैसा ही लग रही है। जो पीछे वाली है ड्रम ब्रेक से और आगे वाली है डिस्क ब्रेक है। और यहाँ पे मिरर के बारे में बात करें तो मिरर में आपको ऐसा मिलेगा, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा और ग्लॉसी ब्लैक में आपको मिरर मिलेगा जो है मैट फिनिशिंग में। और आगे से देखें तो आगे से ऐसा जो कार है आगे वाला डिस्प्ले है। और इसके टायर फोर के बारे में बात करें तो टायर फोर 175x60R 15 इंच के यहाँ पे आपको टायर मिलेंगे जो आगे वाली है डिस्प्ले के। और साइड में से यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल आगे से भी देखो, पीछे से आप देखें तो यहाँ से पीछे से आपको देखें पीछे और थोड़ी सी प्लेस कम है। यहाँ पे टेल लाइट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको टेल लाइट में यहाँ पे जो है इंडिकेटर मिलेगी, यहाँ पे आपको रिवर्स लैंप और यहाँ पूरा यहाँ पे चलेगा, रात आप जो बत्ती ऑन करेंगे तब यहाँ पे चलेगा। और यहाँ पे एनर्जी का बेच मिलेगा, ये पूरा मैट फिनिशिंग में यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे टाटा का बीच में लोगो मिल जाएगा और पीछे जो है पीछे वाला शीशा वो भी बड़ा है। जो मैं आया हूँ टाटा मोटर्स प्रोग्रेसिव भी यहाँ पे आया हूँ, जो टाटा मोटर्स प्रोग्रेसिव 50 लाख स्माइल यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर। जो उसके ऊपर वाली रूफ भी है, वो रूफ भी आपको ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक में यहाँ पे मिलेगा। और जो रूफ रेल है मैट फिनिशिंग में मिलेगी, सिल्वर में होती तो बढ़िया लगती। ये पूरा मेडिशिंग यहाँ पे बात करें तो यहाँ से टाटा ने कैसा लिखा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है और उसके नीचे आपको कैमरा मिलेगा। यहाँ पे आपको कैमरा मिलेगा और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर, यहाँ पे उसके नीचे पूरा जो बम्पर है वो सिल्वर में मिलेगा और यहाँ पे ब्लैक में मिलेगा। और यहाँ पे टियागो एनर्जी का यहाँ पे बेच मिल जाएगा। और यहाँ पे टूरी और स्पार्किंग मिलेगी आपको पीछे से। आपको आगे से दिखे तो आगे से यहाँ पे हेडलाइट के बारे में बात करें तो हेडलाइट में आपको हेलोजन सेटअप मिलेगा, और उसके नीचे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलेगा। और उसके नीचे देखिए तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप है, वो भी हेलोजन सेटअप में पूरा है। उसके नीचे से हेडलाइट के बारे में बात करें तो हेडलाइट के नीचे से आपको पूरा क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे आपको मिलेगा, पूरी क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे लाइनअप जाएगी। और आगे से यहाँ पे ग्रिल के बारे में बात करें तो यहाँ पे ग्रिल आपको मैट फिनिशिंग में मिलेगी। आगे से यहाँ पर देख सकते हो, उसके नीचे देखें तो यहाँ पे आपको सिल्वर में मिलेगा और ये मैट फिनिशिंग में इसका बम्पर है, एनर्जी पूरी मैट फिनिशिंग में ही है। आगे से इसका लुक देखें तो यहाँ पे आपको ऐसा लुक मिलेगा, यहाँ से टाटा का लोगो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके नीचे भी ऐसा है पूरा, यहाँ पे ओवरऑल लुक इज बेटर एंड गुड। यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर। तो अंदर जाके मैं पूरा इसका ओवरऑल लुक दिखाऊंगा। तो मैं पहले बैठ जाता हूँ, डोर के बारे में देखें तो डोर पूरा आपको ब्लैक में मिलेगा, डोर पूरा आपको ब्लैक में मिलेगा। ये भी सॉफ्ट टच नहीं है, ये भी हार्ड है, यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखें तो टाटा ने यहाँ पे मिरर एक्सेसिबल करने के लिए मिलेगा देखा है, यहाँ पे 4 पावर विंडो लॉक अनलॉक। तो यहाँ पे अंदर बैठ के दिखा दूँ, डोर भी हैवी है। यहाँ पे आपको 2-4 ट्विटर मिलेगा और 4 स्पीकर के साथ आपको ये मिलेगी। अंदर से ओवरऑल यहाँ पे आप देखें तो इंटीरियर इज़ वेरी वेरी गुड। यहाँ से इंटीरियर भी चौड़ा है, छोटा नहीं है।
और यहाँ पे देखो तो SRF के यहाँ पे आपको एयर बैग मिलेगी, 2 एयर बैग यहाँ पे मिलेगी, एयर बैग के यहाँ पे बीच टाटा का लोगो मिल जाएगा। और यहाँ से देखे तो यहाँ पे जो है म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल करने के लिए और मीटर को कंट्रोल करने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ से हारमोन का यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम मिलेगा इसमें, और यहाँ पे 5 गियर और 1 रिवर्स मिलेगा। यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक एसी मिलेगा आपको, जो लॉक अनलॉक बूट ओपन करने के लिए मिलेगा। यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन है आपको एनर्जी XZ में मिलेगा, जो है क्रोम फिनिशिंग वाला है। यहाँ पे पूरा ग्लोसी ब्लैक में आपको जो है इसका डोर हैंडल मिलेगा। और यहाँ से इसको खोल के दिखा दूँ जो है मेरे को तो ओके, यहाँ पे जो मेरी पैरों के जैसा ही है आपको एनर्जी जैसा ही जो टियागो जैसे ही आपको इसका मीटर मिलेगा अंदर देखे तो ओके एनर्जी जैसा ही मीटर मिलेगा। ये भी पूरा ग्लोसी ब्लैक है, ये सिल्वर में जो टियागो में आता है क्रोम में आता है। और यहाँ से भी आपको और यहाँ पे पूरा हो गया, यहाँ से कुछ नहीं है। यहाँ से AC कंट्रोल है, यहाँ पे देखे तो AC का कंट्रोल है। उसके नीचे देखे तो 12 वोल्ट का यहाँ पे आपको सर्किट मिलेगा, और यहाँ पे USB टाइप मिलेगा, C टाइप नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी कुछ प्लेस रखा था बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप खोल सकते हो तो यहाँ पे आप खोल रहा है धीरे धीरे से। यहाँ से अंदर देखे तो यहाँ पे मेडिसिन का है, यहाँ पे आप रख सकते हो बुक बुक जैसा है कुछ। और यहाँ से ना कुछ सब प्लेस यहाँ पे ना लाइट नहीं यहाँ पे दी गई होगी पर यहाँ पे लाइट नहीं है। यहाँ पे देखे तो लॉक एंड लॉक, यहाँ पे लॉक एंड लॉक मिलेगा ग्लॉस ब्लैक में, इंटरेस्ट गुड। अंदर से भी देखे तो यहाँ पे 2 कप होल्डर मिलेगा, यहाँ पे वो जो है आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे हैंड ब्रेक आ गई, यहाँ पे ब्रश करने के लिए यहाँ पे जो है, और बेटर है यार सीट भी। और यहाँ पे देखे तो सीट आप ना ऊंची भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, आपके हाइट एडजस्टमेंट के कर सकते हो। यहाँ से देखे तो यहाँ पे कोई आपको मिरर नहीं मिलेगा सनसेट में। ऊपर देखे तो ऊपर यहाँ पे आपको माइक मिलेगा, यहाँ पे कोई भी चश्मा लगाने चश्मा का नहीं है। यहाँ पे डे नाइट वाला आपको मिलेगा, यहाँ पे एयरबैग में लिखा है। और यहाँ पे आपको जो है मिरर मिलेगा यहाँ पे ओवरऑल लुक इस गुड कार का। यहाँ पे थाई भी अच्छी है, मैं जो बैठा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो थाई और लेग रूम में अच्छा है। अब आराम से 200-300 किलोमीटर तो आराम से एक लैप में मार सकते हो। 5 गियर और गियर नॉक भी अच्छा है। यहाँ पे गियर नॉक के नीचे से देखें तो अभी यहाँ पे सिल्वर सा यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे कोई भी स्केचिंग नहीं है, पूरा रबर फिनिश वाला ये एयरबैग। यहाँ पे जो कुछ रखा होगा यहाँ पे उसके लिए कुछ होगा और पता नहीं। तो पीछे जाके आपको बताऊंगा पीछे कितना स्पेस है कितना नहीं है। और यहाँ मेरे को ना विंडो होगा पीछे से साइड में से बात करें तो हाँ डोर भी है पीछे वाला डोर मेरे को। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ट्विटर है, यहाँ पे 4 स्पीकर का है, और यहाँ पे जो लेग रूम और थाई रूम सब बढ़िया है अंदर से। और यहाँ पे आपको इसकी लाइट मिलेगी। और इंटीरियर आप देखें तो यहाँ पे इसका इंटीरियर ऐसा मिलेगा ओके इंटीरियर ऐसा मिलेगा अंदर से तो लाजवाब लग रही है। और थाई और यहाँ पे देखो तो डोर हैंडल आपको ऐसा मिलेगा अंदर, यहाँ पे लाइट मिल गई, यहाँ पे थाई और लेग रूम भी अच्छा है। तब पीछे से देखिए तो पीछे वाला जो है बढ़िया सा हेडरूम है और थाई बढ़िया है, मेरे को सभी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे अंदर से भी अच्छी है, बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है आराम से। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, पीछे आप 5 लोग आराम से बैठ सकते हो, बढ़िया छोटा सा भी। और इसके पीछे पार्सल ट्रे दी गई है वो भी अच्छा है, सभी अच्छा है, सभी ठीक ही है। और यहाँ पे आपको जो कप होल्डर नहीं, जो कप होल्डर के निशान मेरे यहाँ पे बोतल ही रख सकते हो। पीछे भी आपको खोल के दिखाऊंगा इसका बूट। अरे रैप किया गया जो सामने दिख रहा है वो रैप ही है ना, फिर भी खोल लेते हैं। तो खोलने के लिए जो यहाँ पे आपको बूट ओपन करने, बूट ओपन ही नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक है ना इसलिए ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें ना बैटरी डेड हो गई है गाइस। इसका मैं बूट कैसे ओपन करूँ, इसका बूट ओपन नहीं। यहाँ पे देखिए तो फ्यूल कैप आपको जो है एनर्जी टिया को CNG में भी आती है, उसके लिए CNG कैप के लिए, और पेट्रोल में 40 लीटर से यहाँ पे आपको फ्यूल कैप मिलेगा इसमें। यहाँ पर छाड़ में से भी बढ़िया लग रही है गाइस। ओवरऑल किस दूर अंदर से मैंने कितनी बार बोला
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपके भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहे। बाय, पीस।